ऑलराइट, वेलकम बैक, हाउ आर यू ऑल। आज एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसका मैंने पोल डाला था, पूछा था आपसे कि किस तरह का वीडियो आपको चाहिए। पांच ऑप्शन थे, मोस्ट ऑफ द वोट्स जो थे वो थे VPH डीप एक्सप्लेनेशन पे, क्योंकि VPH इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर सप्लाई फॉर द फोन। पावर्स तो दो ही होती हैं, जैसे आप एक तो आपकी बैटरी से आपके फ़ोन को पावर मिलती है, दूसरी आप जब चार्ज लगाते हैं, बट उसके बाद जो मेन पावर सप्लाई है वो है VPH। उसी चीज़ के बारे में डिटेल में जानेंगे, कैसे जब आप चार्ज लगाते हैं तो बैटरी चार्ज होती है, और जैसे ही आप चार्जर निकालते हैं बिना फ़ोन बंद हुए आपका फ़ोन बैटरी पे स्विच हो जाता है। इसी चीज़ को आप समझेंगे एज ए DC-to-DC कन्वर्टर क्या होता है, क्यों उसे DC-to-DC कन्वर्टर बोलते हैं, इन सभी चीज़ों की डिटेल के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ऑलराइट, VPH मतलब वोल्टेज फेज, या फेज वोल्टेज आप इसे कह सकते हैं। VPH इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर सप्लाई फॉर द मदरबोर्ड, फॉर द कंप्लीट लॉजिक मदरबोर्ड। इसका मतलब है आपके कंप्लीट फ़ोन के लिए जो VPH पावर होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पावर सप्लाई है। द पावर इज़ नोन एज ऑलवेज ऑन पावर सप्लाई, दैट मीनिंग इज़ ऑलवेज अवेलेबल इन द मदरबोर्ड। ये पावर सप्लाई हमेशा आपके बोर्ड में रहती है। जैसे ही आप बैटरी कनेक्ट करेंगे, जहाँ पे VPH है वहाँ पे, चाहे आपने फ़ोन ऑफ कर रखा है या ऑन कर रखा है, इस चीज़ से मतलब नहीं है। अगर आपकी बैटरी में पावर है तो VPH आपको हमेशा वहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है, जहाँ भी VPH की लाइन जाती है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपके फ़ोन में बहुत सारी ICs होती हैं, जैसे CPU, EMMC, पावर IC, ग्राफिक्स, बैकलाइट, कोडेक, पावर और पावर एम्पलीफायर्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया है। अभी इसमें से आपकी जो मेन पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है वो एक IC से प्रोवाइड कराई जाती है। अभी आपके फ़ोन में सिर्फ दो ही तो पावर होती है, एक होती है आपके चार्जर से जो मिलती है, एक होती है आपके बैटरी कनेक्टर से जो मिलती है, जहाँ से बैटरी से पावर मिलती है। बट वो कनेक्ट होती है सबसे पहले एक IC में, ताकि वो VPH प्रोड्यूस कर सके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं बैटरी इसमें लगाता हूँ तो मेरी बैटरी से 3.7 से 4.2 वोल्टेज तक यहाँ अगर बैटरी में होंगे तो वो प्रोसेस हो जाएगा और VPH पावर प्रोड्यूस करेगा, जो अलग अलग ICs में जाएगा, बट CPU और EMMC में नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए अलग पावर IC हो सकते हैं या एक ही पावर IC हो सकता है जो उन दोनों को पावर प्रोवाइड कराएगा फ़ोन को ऑन करने के लिए। ये एक सिंपल प्रोसेस है जिससे आप समझ सकते हैं कि VPH एक्चुअली में CPU और EMMC में नहीं जाता है, बाकी हर एक सेक्शन में आपको वहाँ पे ऑलवेज ऑन देखने के लिए मिलता है हमेशा। अगर VPH प्रोड्यूस नहीं हो रही है तो आप DC-to-DC या ये जो आपका चार्जिंग IC है इसे रिप्लेस कर सकते हैं। बट आज का हमारा टॉपिक जो है एक VPH पे है। VPH एक्चुअली में होता क्या है, आज हम इसको समझने वाले हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं बेसिक हार्डवेयर मैटिक टेस्टिंग फॉल्ट फाइंडिंग ट्रेसिंग एक्सेट्रा सभी चीज़ों को सीखने में, तो आप हमारा नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो 12 दिसंबर से शुरू है। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो, यहाँ पे मैं दो चीज़ों को लेकर चलूँगा। एक तो मेरा वो IC जो VPH प्रोड्यूस करता है, जिसे हम चार्जिंग IC, PMI, DC-to-DC और प्राइमरी पावर IC बोलते हैं। ये सब क्यों बोलते हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे ही मैं अपनी बैटरी कनेक्ट करता हूँ, मेरी 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज के आसपास सारे इससे प्रोसेस हो जाएंगे। चार्जिंग IC से प्रोसेस होने के बाद ये प्रोड्यूस करेगा VPH पावर, जो पूरे आपके मदरबोर्ड में, ऑलमोस्ट सेक्शंस में और काफ़ी जगह पे पावर सप्लाई का काम करेगा, और आपके पावर IC को पावर प्रोवाइड कराएगा, ताकि वो CPU और EMMC को ऑन कर सके, आपका फ़ोन ऑन हो सके। एक तो ये इसका सिंपल लॉजिक है। VPH आप हर कहीं चेक कर सकते हैं, जहाँ पे भी VPH की लाइन जाती है, बट आपकी बैटरी लगी हुई होनी चाहिए। सेकंड है, जब आप अपने फ़ोन में चार्जर लगाते हैं उस टाइम पे आपके 5 वोल्ट एक कॉयल से स्विचिंग होके वापस VPH से बैटरी चार्ज भी करते हैं, और आपके VPH से आपके फ़ोन को ऑन भी रखते हैं। ये होता है एक चार्जिंग का प्रोसेस। सेम लाइन से जैसे ही आप चार्जर निकालेंगे तो आपका फ़ोन बैटरी पे स्विच हो जाएगा, बैटरी से VPH बनना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आप
चार्जर लगाएंगे या आपका पावर जो है वी बस की लाइन जो है आपके चार्जिंग आईसी से, सॉरी आपके चार्जिंग कनेक्टर से जो 5 वोल्ट आ रहे हैं वो आपके चार्जिंग आईसी में जाएंगे, उसी लाइन से कॉइल से स्विचिंग होते हुए वीपीएच भी प्रोड्यूस करेंगे और बैटरी को उसी लाइन से चार्ज भी करेंगे। सो दिस इज जस्ट अ सिंपल प्रोसेस, इसीलिए इसको बोला जाता है डीसी टू डीसी कन्वर्टर, इसीलिए इसको चार्जिंग आईसी भी बोला जाता है। ये इसका छोटा सा प्रोसेस है, इसी तरीके से ये काम करता है। अगर मैं फिर से एक बार इसे रिपीट करके आपको दिखाऊं तो मैं सारा प्रोसेस बैक करता हूं, एक बार आपको फिर से बताता हूं ताकि आप बेहतर समझ पाएं। यहां पे जब आपकी बैटरी की लाइन कनेक्ट होती है चार्जिंग आईसी से, अभी तक चार्जर हमने नहीं लगाया है, तो इसकी जो बैटरी की पावर है वो प्रोसेस होकर प्रोड्यूस करेगी वीपीएच पावर। जैसे ही वीपीएच बन जाती है, आपका फ़ोन जब आप पावर की दबाते हैं तो आपका पावर आईसी सीपीयू और ईएमएमसी को ऑन करता है, बट अभी वीपीएच हमारी बन रही है बैटरी से। अभी जब हम फ़ोन को चार्ज पे लगाते हैं उस टाइम पे किस तरीके से ये पावर काम करेगी, इसी चीज़ का हमारा समझना है। जैसे ही हमने चार्जर लगाया, यहां से 5 वोल्ट आएंगे चार्जिंग आईसी में और एक कॉइल से होते हुए यहां पे वीपीएच बनती रहेगी और उसी लाइन से ये बैटरी को चार्ज भी कर देगा। इसी चीज़ को हम स्मैटिक से भी देखते हैं और देखते हैं लॉजिक को भी, कैसे एक लॉजिक ऑन होता है। सो यहाँ पे देखिए, मेरा एक प्रेजेंटेशन है जो मेरी ऑनलाइन क्लासेस के लिए है, जिसको मैं आपके सामने लिटिल बिट प्रेजेंट करूँगा, जिससे वीपीएच एक बेहतर तरीके से आप समझ पाएँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको जो आईसी के बारे में बताया वो है आपका चार्जिंग आईसी, या आप इसे कह सकते हैं कि ये डीसी टू डीसी कन्वर्टर है, या फिर आप इसे कह सकते हैं कि ये एक प्राइमरी आईसी है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो आपकी पावर्स कनेक्ट होती हैं, जैसे इससे वी बैट कनेक्ट हुई यहाँ पर, तो ये एक प्राइमरी पावर है, फर्स्ट पावर है, या यहाँ से वी बस कनेक्ट होती तो वो भी एक फर्स्ट पावर होती, तो वो प्राइमरी पावर्स हैं। उसके बाद ये जो भी पावर्स को प्रोड्यूस करेगा उसे आप कहेंगे सेकेंडरी पावर। उसके बाद ये वाला पावर ऐसी जितने भी पावर्स प्रोड्यूस करेगा उसे भी आप कह सकते हैं सेकेंडरी पावर्स, या फिर सेकेंडरी लाइन, कुछ भी जो भी आप कहना चाहें, और ये सेकेंडरी या फिर मेन पावर ऐसी होता है। उसके बाद देखिए, जैसे ही इससे वी बैट यहाँ कनेक्ट हुआ, आपके यहाँ पर अगर बैटरी लगा हुआ है तो जो आपका चार्जिंग आईसी है वो प्रोड्यूस करेगा वीपीएच, वो आपका प्रोड्यूस करेगा वीपीएच जो कि कनेक्ट होगा आपके पावर आईसी से। अभी इन तीन चीजों को समझ लीजिए, जैसे फर्स्ट आपकी वीबैट पावर की कनेक्टेड है आपके पावर आईसी से, और यहाँ पर पावर आईसी को मिल रहा है वीपीएच पावर जो 3.7 से 4.2 वोल्टेज हो सकता है, और जैसे ही आप चेक करेंगे पावर पे तो 1.8 से 4.2 वोल्टेज पावर की पे भी आपको देखने के लिए मिलता है, जो पावर आईसी से भी होता है, कुछ फोन्स में चार्जिंग आईसी से भी होता है। सिर्फ एक सिग्नल होता है कि आपने इतने टाइम पीरियड तक इस लाइन को शॉर्ट किया, उससे आपका फ़ोन ऑन होता है, जिससे उसे एक सिग्नल मिलता है, एक तरीके का एक अनेबल कह सकते हैं। और अगर इस आईसी को, पावर आईसी को अगर वीपीएच पावर मिल रही है, उसके बाद ये कंप्लीट प्रोसेस होता है एक फ़ोन को ऑन करने का, कौन कौन सी पावर की रिक्वायरमेंट होती है एक लॉजिक को ऑन करने के लिए, और लॉजिक जैसे ही ऑन होता है उन सब चीज़ों का कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये सब चीज़ें एक टॉपिक है ऑनलाइन मैटर का, जहाँ पे आप समझ सकते हैं, कंप्लीट सेक्शन समझ सकते हैं, लॉजिक पावर सीक्वेंस सब समझ सकते हैं। बट यहाँ पे हर चीज़ ऐसे ही बनती है जैसे कि एक्चुअली में मैं कहूँ कि डीसी रीडिंग्स की अगर बात करें तो वो भी हम पढ़ते हैं, बट उसके भी कंडीशंस होती हैं कि जैसे आपका लॉजिक अगर आप समझ जाते हैं कि एक ईएमएमसी या फिर यूएफएस अगर रैम लगी हैं, दो पावर आईसी लगे हैं, कुछ भी हो वो भी एक कॉन्सेप्ट है, उस पर भी हम जाते हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए, अगर ईएमएमसी है, सीपीयू है, पावर आईसी है और चार्जिंग आईसी है, ये आपका लॉजिक होता है, इस लॉजिक को कंप्लीट समझना पड़ता है। जैसे ही आप पावर की दबाते हैं या चार्ज लगाते हैं तो इनमें से कौन कौन सी पावर्स प्रोड्यूस होती हैं और ये कब प्रोड्यूस होती हैं, ये वाली क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जब आप जान जाते हैं तो आप समझ जाते हैं एक डेड फोन को कैसे कम्प्लीटली रिकवर किया जा सकता है। उसके बाद पूरा कम्युनिकेशन है और इन सभी चीज़ों को हम समझते हैं।
पर यहां पर एक चीज को आपको समझना जरूरी होता है, ये वाली लाइन। अगर आपका फोन लीकेज कंडीशन में है, शॉर्ट कंडीशन में है, उस टाइम आपका यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं है। आपका काम होता है यहाँ बस, चार्जिंग आईसी से वीपीएच यहाँ तक, इतने में आप अपने फ़ोन का सलूशन कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपकी वीपीएच कहाँ कहाँ जा रही है, आपकी वीपीएच कहाँ कहाँ जा रही है। ऑलवेज ऑन, ये पावर जो है ऑलवेज ऑन, मतलब बंद फ़ोन में भी रहेंगी, इसीलिए आपका फ़ोन लीकेज आपके डीसी में शो करता है। जैसे ही आप कनेक्टर लगाते हैं, आपकी कुछ मिली वोल्टेज या मिली एम्पेयर ग्राउंड होता रहता है, जिससे आपके डीसी में कुछ रीडिंग्स आती है। अगर ये चार्जिंग आईसी भी ख़राब हुआ तो वो कुछ वोल्टेज या कुछ मिली एम्पेयर ग्राउंड करता रहेगा, जिससे आपके यहाँ से डीसी में शो करेगा कि हाँ कुछ कंज्यूम हो रहा है। उस कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि हाँ आपका फ़ोन लीकेज कंडीशन में है। तो ये जस्ट ए प्रेजेंटेशन है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। यहाँ पे हमारा वीपीएच का टॉपिक जो है इतना क्लियर नहीं हो पाता है जितना हम अभी स्मैटिक्स में देखेंगे। तो चलिए स्मैटिक्स ऑन करते हैं। यहाँ पे मेरे सामने एक मदरबोर्ड है जो कि एक रेडमी K20 का है। इसी चीज़ का हम स्मैटिक्स भी खोल लेते हैं। यहाँ पर लेआउट है K20 फ़ोन का, ये रेडमी का फ़ोन है, इसी चीज़ को समझते हैं। तो यहाँ पर ये कनेक्टर है। मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि आपका जो चार्जिंग के 5 वोल्ट हैं वो नीचे से सीसी बोर्ड से होते हुए, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, एक सीसी बोर्ड से होते हुए यहाँ पर आएंगे आपके 5 वोल्ट, जिसे हम वी बस बोलते हैं, वी बस की लाइन। और यहाँ पर है बैटरी कनेक्टर, ये रेड वाली लाइन, ये है आपका वी बैट लाइन। अब इन दोनों से कम्युनिकेट का हमें पूरा सिमेटिक से समझना है। उसके बाद ये वाला वो आईसी है जो प्रोड्यूस करेगा आपकी वीपीएच पावर, जो बहुत सारी जगह पे जाएगी, इस पावर आईसी में भी, इस वाले आईसी में भी, और भी बहुत सारे आईसीज में ये दोनों लाइंस काम करेंगी। तो कैसे एक फ़ोन चार्ज होता है, कैसे वीपीएच प्रोड्यूस होता है, इस चीज़ को अगर हम सिमेटिक से देखेंगे तो बेहतर समझ आएगा। इस कनेक्टर को कॉपी करके आप सिमेटिक्स में पेस्ट करें, नेक्स्ट करें। यहाँ पर कनेक्टर से पिन्स हैं, पूरी डिटेल है। तो यहाँ पर आपको ढूंढना है वी बस की लाइन, तो आप चाहें तो बाय वन ढूंढ सकते हैं। यहाँ पर वी बस की लाइन है, तो ये वी बस की लाइन मैंने आपको बताया कि कनेक्ट होगी आपके एक आईसी से, जहाँ से वी पिच प्रोड्यूस होगी। तो सबसे पहले इसका कोड कॉपी किया, फॉरवर्ड किया। एक टीपी पॉइंट है इसकी लाइन पे, इसे भी आप कॉपी करके लेआउट में देख सकते हैं ये कहाँ पे है, जहाँ पे 5 वोल्ट्स आपके आएंगे। नेक्स्ट है, अगर यहाँ पे हम जाएं तो एक OVLO, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये OVLO है। OVLO, ओवर वोल्टेज लॉक आउट, यानी जब भी आपका फ़ोन ओवर वोल्टेज आएगा या चार्जिंग से किसी भी तरीके का, उस अगर सिग्नल इस तरीके का मिलेगा कि जहाँ पे चार्जिंग आईसी ख़राब हो सकता है, तो यहाँ पे एक छोटा सा मॉस्फेट के तौर पे एक आईसी लगाया गया है ओवर वोल्टेज को लॉक करने के लिए। तो यहाँ से ये एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बना के ये आईसी यहाँ पे बैठाया गया है ताकि ओवर वोल्टेज को ग्राउंड किया जा सके। पर इसे आप रिमूव कर भी सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। अगर रिप्लेस करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसे आप रिप्लेस कर सकते हैं तो बेटर होगा, वरना आप यहाँ से यहाँ जंपर कर सकते हैं, इस कैपेसिटर से इस कैप पे जंपर कर सकते हैं। तो यहाँ इसकी इनसाइड है जहाँ वीपीएस इनपुट हो रही है, और इसकी आउटसाइड है। यहाँ से अगर इसे हम फॉलो करें, यहाँ पर हमारा ये एक आईसी है। और एक चीज़ आपका ध्यान रखना है इसमें, U4200 इसका पार्ट 4 है ये, या पार्ट ABCD भी हो सकता है, ये पार्ट 4 है। इस पार्ट में सिर्फ चार्जिंग का ही डाटा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। अगर मैं इस कोड को फॉरवर्ड करूँ या इसका पार्ट 3 देखूँ यहाँ पे, या 2 देखूँ, उसमें अलग चीज़ें होंगी। जैसे U4200 मैंने इसे फॉरवर्ड किया, ये इसका पार्ट 1 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके सिग्नल्स हैं, जैसे एक्सॉल क्रिस्टल से
कीपैड पावर, पावर ऑन रीसेट, एसपीएमए डाटा क्लॉक, आरएफ क्लॉक, बेसबैंड क्लॉक, यहाँ पे सिग्नल्स हैं। और अगर और फॉरवर्ड करूँ इसे तो यहाँ पे ग्राउंड है, बट हमें देखना है चार्जिंग के लिए। तो ये वीपीएच पावर, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसी तरीके से आप इस चीज़ को यहाँ से समझेंगे। स्मैटिक्स को अगर मैं थोड़ा बड़ा कर सकता तो और बेटर होता। यहाँ पे इस चीज़ को समझना, यहाँ पे है सबसे ऊपर वी बस के 5 वोल्ट, यहाँ से इनपुट हुए 5 वोल्ट इस आईसी के अंदर। अब इन सभी चीज़ों का भी काम होता है जो पूरे चार्जिंग सेक्शन में समझाया जाता है। यहाँ पे इन हुआ 5 वोल्ट, उसके बाद यहाँ से स्विचिंग हुई, VSW चार्जिंग के लिए स्विचिंग हुई, और एक कॉयल से होते हुए यहाँ से प्रोड्यूस हुआ VPH पावर। और अगर मैं इस फ़ोन को चार्ज कर रहा हूँ तो यहाँ से वी बस से स्विचिंग की लाइन पे 3.7 से 4.2 यहाँ पे VPH भी बनेगी। उसी टाइम पे एक लाइन यहाँ से वापस जा रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो VPH पावर यहाँ से वापस जा रही है, और यहीं से ये प्रोसेस होके जाएगी वी बैट लाइन पे, यानी आपके बैटरी कनेक्टर पे। इसका कोड कॉपी करके आप फॉरवर्ड करेंगे तो आप बैटरी कनेक्टर पे पहुँचेंगे, जहाँ पे ये बैटरी को चार्ज भी करेगा और VPH भी प्रोड्यूस करेगा। अगर ये वाली कॉयल आप निकाल देते हैं तो आपका फ़ोन चलेगा बैटरी पे, यहाँ पे वोल्टेज भी रहेंगे 3.7 से 4.2 वोल्टेज भी रहेंगे अगर आप VPH वाली कॉयल निकाल देते हैं। बट अगर कॉयल लगी हुई है तो आपका फ़ोन चार्ज होगा। वो डिपेंड करता है कि कैसे फेक चार्जिंग है, क्या है, वो सब इश्यूज भी यहाँ पे इन कैप्स पे भी डिपेंड करता है, इन सभी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो वो एक चार्जिंग सेक्शन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बन जाता है। बट यहाँ पर हम समझ रहे हैं VPH लाइन कैसे एक फ़ोन चार्ज भी होता है और कैसे आपका VPH पावर बनता है, जिससे VBAT आपकी बैटरी चार्ज भी होती है और VPH से आपका फ़ोन ऑन भी रहता है। इसी चीज़ को अगर हम देखें इसके हार्डवेयर सॉल्यूशन में, तो यहाँ से आपके वी बस के 5 वोल्ट इस TP पॉइंट से होते हुए, इस कैप से होते हुए यहाँ पे एक IC में पहुँचते हैं, जो कि आपकी OVP है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए, OVLO ओवर वोल्टेज लॉकआउट। इसे आप बाईपास कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो इसकी पिंस पे डिपेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट ये लाइन जो है पहुँच जाती है आपके चार्जिंग IC में। यहाँ पर इस आईसी के अंदर ये एक कॉयल लगी है जो यहाँ पे मैंने आपको बताई, ये वाली कॉयल। अगर आप ये कॉयल निकाल देते हैं तो आपकी VPH तो प्रोड्यूस होगी, VPH तो प्रोड्यूस होगी इस लाइन से, VPH प्रोड्यूस होगी, बट वो सिर्फ बैटरी से चलेगी। यहाँ से देखिए ये लाइन आपकी VPH की लाइन है, ये VPH की लाइन है, चलेगी यहाँ पे। और अगर ये कॉयल आप निकाल देते हैं तो यहाँ से जो चार्जिंग है वो यहाँ से स्विच करके इस बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा, यहाँ से चार्ज नहीं कर पाएगा और आपका फ़ोन चार्ज नहीं होगा, पर बैटरी पर चलेगा। और अगर आपका ये कॉयल लगा हुआ है, चार्ज आपने लगाया, तो यहाँ से VPH प्रोड्यूस होगा और बैटरी भी चार्ज होगा और VPH भी प्रोड्यूस होगा जो स्विचिंग लाइन से होगा। एक चीज़ और, आप कभी कभी चेक करते हैं कि आपके बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज नहीं आ रहे, जब आपने फ़ोन को चार्ज लगाया तो आपके बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज नहीं आ रहे, तो उस चीज़ को आप क्या समझेंगे? वो वोल्टेज क्यों नहीं आते? क्योंकि बैटरी के दो पिंस और भी होते हैं, जैसे ये वाली पिन देखिए, पिंक वाली बैटरी थर्मल की है, और ये देखिए बैटरी ID की पिन। ये बैटरी ID की पिन, जब तक आप बैटरी यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर देंगे तो ये IC ये वाला IC नहीं समझेगा और यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करवाएगा आपकी बैटरी चार्ज करने के लिए। उसका ये इशू भी होता है, उस चीज़ को भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? आप यहाँ पे बैटरी लगाइए, यहाँ पे वैल्यूज़ अगर आ रही हैं, अगर आप बैटरी लगाएंगे और चार्ज मत लगाइए एक टाइम पे, और यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लीजिए बिना चार्ज लगाए। यहाँ पे 3.7 से 4. कितना भी वोल्टेज हो सकता है, और जैसे ही आप चार्ज लगाएंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज है थोड़ा सा
अप हो जाएगा, उस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ पे वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिससे आप पता कर सकते हैं, जिससे आप समझ सकते हैं मेन पावर सप्लाई को। मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन से भी बताया इस चीज़ को, अगर आप देखेंगे कितना इम्पोर्टेंट पावर होता है। तो जैसे आप इसी फ़ोन का हम देखेंगे, और K20 बिटमैप, यहाँ पर देखिए ये वाला आईसी था, ये आईसी था, यहाँ से ये वाली कॉइल थी, यहाँ से VPH प्रोड्यूस हो रहा है। तो VPH कितने जगह पे है, इस चीज़ को आप देख लीजिए। इस वाले आईसी में, पावर आईसी में इसकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ एक छोटा सा आईसी है जो कि किसी पर्पज़ के लिए, बैकलाइट वगैरह के लिए भी हो सकता है। और इस साइड पे ये वाला आईसी, यहाँ पे 4G पावर एम्पलीफायर, 2G PMA, यहाँ पे और छोटे छोटे आईसीज लगे हैं, मिनी पावर आईसीज जो आपकी EMC नहीं है, इसमें UFS है, UFS वगैरह को पावर देने के लिए हो सकते हैं। इन सब में जाता है, बट आपके CPU और आपकी EMC या फिर UFS में नहीं जाता है ये पावर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पावर सप्लाई है, जो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होती है आपके पावर आईसी को। और जैसे ही आप पावर की दबाते हैं, आपका लॉजिक ऑन होने की कोशिश करता है। डिफरेंट डिफरेंट फ़ोन में लॉजिक का तरीका थोड़ा सा अलग हो सकता है, बाकी एक लॉजिक को ऑन करने के लिए आपको ऑन करना होता है आपका CPU, पावर, EMMC और चार्जिंग आईसी। सो ये चार्जिंग आईसी से निकलने वाली फर्स्ट पावर सप्लाई है जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। ये था VPH का चैप्टर, जिसे आई होप आप बेटर समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच।